दोस्तों फाइनली हुआवे ने हुआवे वाई नाइन को हमारे देश में दोस्तों लॉन्च कर दिया। दोस्तों कुछ दिन पहले इस फोन को हुआवे ने चाइना में लॉन्च किया था। तो दोस्तों उस समय मैं आपको बता चुका था, मेरा जो अपकमिंग स्मार्टफोन वाला जो वीडियो था दोस्तों, उसमें मैं बताया था कि जो हुआवे वाई नाइन है वो दोस्तों हमारे इंडिया में दोस्तों आने वाला इसी महीने में। तो दोस्तों इसी महीने में दोस्तों फाइनली हुआवे ने इस फोन को हमारे देश में लेके आ गया। तो दोस्तों हुआवे ने हुआवे वाई नाइन के साथ दोस्तों क्या क्या हम लोग को प्रोवाइड करा रहा है और दोस्तों उसके लिए कितना पैसा हुआवे ने ले रहा है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने टेक्निकल बार्गेनिंग। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे हुआवे वाई नाइन के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं हुआवे का हर फोन दोस्तों देखने में बहुत ही मस्त रहता है, मतलब दोस्तों देखने में बहुत अट्रैक्टिव रहता है। बहुत सारा कलर दोस्तों लेके आता है हुआवे ने अपना मोबाइल में, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों हुआवे का फोन हमें देख के लगता है कि हाँ कोई प्रीमियम डिवाइस है। दोस्तों ऐसे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ जो हुआवे वाई नाइन इसका डिजाइन के बारे में। दोस्तों इस फोन आपका आता है ग्लास मेटल डिजाइन के साथ। और दोस्तों इस फोन का पीछे तरफ आपको मिल जाता है दो दो कैमरा, मतलब डुअल कैमरा सेटअप आपको पीछे तरफ मिलने वाला है। और दोस्तों जो है पीछे तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पीछे तरफ जो आपको ग्लासी फिनिश देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जहाँ तक बात रहा सामने की, तो दोस्तों सामने में आपको मिल जाएगा 6.5 इंच का एक FHD+ डिस्प्ले, मतलब तो फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ ये डिस्प्ले आता है। और दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो। और दोस्तों सामने आपको नॉच भी देखने को मिल जाएगा। हाँ दोस्तों इसमें आपको वाटर ड्रॉप या दोस्तों पांच होल देखने को नहीं मिलेगा, या दोस्तों आपको नॉच देखने को मिलेगा। दोस्तों नॉच देने का कारण है, नॉच इसलिए दिया गया इस फोन में क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको सामने तरफ भी मिल जाता है डुअल कैमरा। तो दोस्तों पांच होल या दोस्तों जो वाटर ड्रॉप, उसमें आप डुअल कैमरा को नहीं बैठा सकते। इसलिए दोस्तों हुआवे ने क्या किया इस फोन में दोस्तों, नॉच प्रोवाइड किया ताकि दोस्तों डुअल कैमरा को आराम से उसमें बैठा सके। और दोस्तों जहां तक बात रहा इस फोन के परफॉर्मेंस की, मतलब ये जो फोन है कैसे परफॉर्मेंस करने वाला है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं इस फोन में आपको मिल जाता है क्रिन का 710 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर। साथ में दोस्तों आपको मिल जाता है माली का G51 MP4 GPU, जो कि दोस्तों आता है GPU टर्बो टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब दोस्तों इस फोन में आपको परफॉर्मेंस का कमी बिल्कुल नहीं देखने वाला है। जो भी गेमिंग वगैरह आप करते हैं दोस्तों, जो गेम वगैरह खेलते हैं पबजी, मतलब जो भी हाई क्वालिटी का गेम आप खेलते हैं दोस्तों, इस फोन में दोस्तों बहुत ही आराम से चलने वाला है आपका गेम। कोई प्रॉब्लम दोस्तों इस फोन में आपको गेमिंग में नहीं आने वाला है, मतलब दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहने वाला है दोस्तों इस फोन का। उसका बाद दोस्तों इस फोन में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आपको फेस अनलॉक वगैरह मिल जाएगा। जो भी दोस्तों जो साधारण सेंसर वगैरह होते हैं सारे सेंसर दोस्तों मिल जाएगा इस फोन में आपको। लेकिन दोस्तों इस फोन में आपको USB टाइप सी देखने को नहीं मिलेगा। इस फोन में दोस्तों आपको माइक्रो USB से ही काम चलाना पड़ेगा, मतलब दोस्तों USB टाइप सी दोस्तों 2019 में तो देना ही चाहिए था। और दोस्तों जहां तक बात रहा बैटरी की, तो दोस्तों इस फोन में आपको मिल जाता है 4000 mAh की लंबी बैटरी, जो कि दोस्तों अच्छी बात है, मतलब इस फोन का बैटरी जो है दोस्तों लंबी देर टिकने वाला है। लेकिन दोस्तों इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। साथ में आपको मिल जाता है दोस्तों 10 W का एक चार्जर, लेकिन दोस्तों फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें देना चाहिए था क्योंकि भाई 4000 mAh का बैटरी दे रहे हो तो दोस्तों फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो बनता है। दोस्तों ऐसे में बात कर ले तो इस फोन के कैमरा के बारे में कि दोस्तों इस फोन में क्या क्या कैसे कैसे कैमरा आपको देखने को आखिर मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो इस फोन में आपको सामने तरफ भी दो कैमरा मिलता है, पीछे तरफ भी दो कैमरा मिलता है। ऐसे में सबसे पहले जो पीछे का कैमरा है उसके बारे में बात कर लेता हूं। दोस्तों इस फोन का बैक साइड में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों एक हो गया 13 MP का, दूसरा हो गया 2 MP का। इसमें जो 13 MP का जो कैमरा है उसमें आपको मिलने वाला है f/1.8 अपर्चर, और जो 2 MP वाला कैमरा है उसमें आपको मिलने वाला है f/2.4 अपर्चर, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों ऐसे में बात कर रहा तो इस फोन के दोस्तों सेल्फी कैमरा के बारे में, मतलब सामने वाले कैमरा के बारे में, वो कैसे कैसे होने वाला है उसके बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि सामने तरफ भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा दो दो कैमरा, जो कि दोस्तों अच्छी बात है। दो कैमरा से सेल्फी लेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली एक अच्छी सेल्फी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी बातें कर लेते हैं कितना कितना मेगापिक्सल इसमें होने वाला है। तो दोस्तों सामने में आपको मिल जाता है दो कैमरा, एक है दोस्तों 16 MP का, दूसरा है दोस्तों 2 MP का। और दोस्तों जो 16 MP वाला कैमरा है उसका अपर्चर है दोस्तों f/2.0, और दोस्तों 2 MP वाला कैमरा उसका अपर्चर है दोस्तों f/2.4। दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि इस फोन में आपको अच्छा खासा कैमरा मिल जाता है, चाहे सामने वाला कैमरा हो चाहे दोस्तों पीछे वाला कैमरा, अच्छे खासे कैमरा दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों सेल्फी के लिए आपको दो दो कैमरा दिया गया, जो कि दोस्तों अच्छी बात है, मतलब अच्छे खासे सेल्फी भी दोस्तों इससे आप खींच सकते हैं। इसका मतलब ये होगा दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस दोस्तों अच्छे खासे होने वाला है। और दोस्तों इस फोन आता है 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और दोस्तों आप जो है एसडी कार्ड के द्वारा आपका स्टोर को बढ़ा भी सकते हैं, जो कि दोस्तों एक अच्छी बात है, मतलब इस फोन में आपको एसडी कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है। और दोस्तों जहां तक बात रहा प्राइस की, मतलब दाम की, तो दोस्तों इंडिया में इस फोन का दाम रखा गया है 15,990 रुपये, मतलब दोस्तों 16,000 रुपया। तो दोस्तों सब कुछ अगर मिला के देखा जाए, इसका परफॉर्मेंस, मतलब इसका प्रोसेसर, इसका बैटरी, इसका कैमरा, दोस्तों सब मिला के अगर देखा जाए तो दोस्तों दाम इसका ठीक है, 16,000 के हिसाब से ठीक है। लेकिन दोस्तों 16,000 के प्राइस में मार्केट में दोस्तों रियलमी का, रेडमी का दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे सेट दोस्तों अवेलेबल है, जो दोस्तों इस फोन को कड़ी टक्कर देता है। मतलब दोस्तों इस फोन को दोस्तों मार्केट से अच्छे खासे कंपटीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दोस्तों हुआवे का वाई नाइन ये आपको कैसे लगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अच्छे खासे फोन है, आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हुआवे वाई नाइन का सारे फंडा, जो कि दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता
करता हूँ कि दोस्तों ये जो जानकारी है Huawei Y9 के बारे में आपको अच्छा लगा हो। तो दोस्तों ऐसे में अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त अपने फैमिली वाले के साथ, ताकि दोस्तों उन लोग भी जानकारी के बारे में जान पाए। और दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में रोजाना आपके लिए लाते रहता हूं। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।